देखो तो यहाँ पे मैं शूट कर रहा था सैंपल के लिए, तो ये देखो अभी हम बात कर रहे थे, मैं इनको दिखा रहा था कि कैसे शूट होता है। हो गया ये आपको इंजन तो दिखा दिया एकदम बुलेट ट्रेन की तरह दिखता है, बट ये आपको थोड़ा जो पैसेंजर को चाहिए वो भी दिखा दिया। तो भाई ये देखो, ये काका हलवाई का बॉक्स है। मेरे को तो लगा पहले कि केक का बक्सा ही दे रहेगी, पूरा इतना बड़ा है। अभी आप किधर जा रहे हो वाले? हुबली कर्नाटक? नहीं नहीं नहीं, सातारा। सातारा, अच्छा ठीक है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। वी आर गोइंग टू पार्ट ऑफ दिस वंदे भारत एक्सप्रेस। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका पुणे स्टेशन से। आज है 16 सितंबर 2024, आज है वंदे भारत इनॉग्रेशन पुणे टू हुबली। और पहली बार वंदे भारत में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, इससे पहले मैंने एक बार भी नहीं ट्रैवल किया है। ऊपर से आज इनॉग्रल है, मतलब जिनके पास खाली पासेस है तो उनको ही एंट्री है। तो मेरे को पहली बार ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। काफ़ी सारे बड़े बड़े VIP लोग आने वाले हैं। जो इनॉग्रेशन है वो नरेंद्र मोदी के हस्ते होने वाला है ऑनलाइन तरीके से, बट यहाँ पे जो लाइव इनॉग्रेशन होने वाला है वो करने वाले हैं मुरलीधर मोहर, अजीत पवार, शरद पवार, ऐसे काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग होने वाले हैं। तो आपको ये पूरा इनॉग्रेशन जर्नी में आपको दिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हुए हैं और वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वंदे भारत खड़ी है। तो मेरा जब पास आएगा तब जाते हैं अंदर। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है। तो ये देखो भाई, सिक्योरिटी हमने क्रॉस कर लिया है, ये पास मिला है पुणे हुबली। ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी बैग चेकिंग कर लिया, अभी अंदर से जाएगी इधर से। यहाँ पे कोई तो प्रोग्राम चालू है, यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। वो जो बॉम्ब स्क्वाड वाला डॉग है वो भी आया है, और यहाँ पे है ऐसी इंजन, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया हुआ है इस इंजन को। तो भाई आगे भी दिखा देता हूँ आपको, बहुत सही बनाया है यहाँ पे। ये देखो ठीक मैं वंदे भारत के सामने खड़ा हूँ और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। मैं पहली बार बैठने वाला हूँ और वो भी इनॉग्रेशन के दिन पहले बैठने वाला हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लगभग टोटल 6 वंदे भारत इनॉग्रेट हो रहे हैं आज, उसमें से जो हमारी है वो है पुणे हुबली, और बाकी की अगर मैं आपको नाम बोलूँ तो वो है कोल्हापुर पुणे, उसके बाद है नागपुर सिकंदराबाद, उसके बाद नागपुर सॉरी आगरा कैंट वाराणसी, उसके बाद राजपुर विशाखापट्टनम और वाराणसी न्यू दिल्ली। और देश की सबसे पहली जो वंदे मेट्रो ट्रेन है वो भी चालू हो रही है भुज से लेके अहमदाबाद तक लेके। तो इतने सारे ट्रेन एक साथ ही इनॉग्रेट होने वाले हैं एक ही दिन, और जो पूरा खर्चा है इन रेलवे का तो वो है 1580 करोड़ रुपीज़। तो भाई गिन लो अभी कितने जीरोज़ है, मेरे को पता नहीं। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, कब मुझे अंदर जाने को मिलेगा शूट करने के लिए। क्योंकि मैं पुणे टू हुबली ट्रैवल करने वाला हूँ, तो एक तो दो प्रकार के क्लास है, एक तो है चेयर क्लास CC और दूसरा है EC। तो अगर आप CC से ट्रैवल कर रहे हो तो वो है पुणे से हुबली तक विदाउट फूड 1185 रुपीज़, और अगर आप विद फूड ट्रैवल करते हो तो आपको 1530 रुपीज़ पड़ेंगे। और अगर आप EC से ट्रैवल करते हो EC क्लास से, तो जो विद फूड वाला ऑप्शन है उसमें आपको 2780 रुपीज़ पड़ेंगे, और अगर आप विदाउट फूड ट्रैवल करते हो तो 2385 रुपीज़ मिलेंगे। भाई देख के बोल रहा हूँ भाई, इतना सादा ये इन्फॉर्मेशन है बताने के लिए, इसीलिए।
तो मैंने आपको जितनी भी बोली ना, इनॉग्रेशन होने वाली है उसका हर एक का स्क्रीन दिखा रहा था, अभी थोड़ी देर में दिखाएगा। देखो तो यहाँ पे मैं शूट कर रहा था सैंपल के लिए, तो ये देखो अभी हम बात कर रहे थे, मैं इनको दिखा रहा था कि कैसे शूट होता है। हो गया। तो ये आपको इंजन तो दिखा दिया एकदम बुलेट ट्रेन की तरह दिखता है, बट ये आपको थोड़ा जो पैसेंजर को वो भी दिखा दिया। भाई साहब क्या ही हॉर्न का आवाज़ बजा, ये ड्राइवर का केबिन है, ये अभी तक हमको अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा क्राउड आ गया है, शायद से यहाँ पे कुछ तो परफॉर्मेंस होने वाला है। और ये C7 तो ये चेयर क्लास है, और बाकी देख सकते हो मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आए, मतलब भाई अभी इनको पता नहीं कैसे पास मिला, बट दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से एंट्री मार ली है, और यहाँ पे आपको मैं जो चेयर क्लास वाला सेक्शन है वो दिखाता हूँ। ऑटोमेटिक खुल गया ये देखो भाई, ये सीसी है, पूरा एसी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब सीट्स तो एकदम ऐसे नई नई लग रही है, ऑब्वियसली लगेगी, क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे एक गद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, यहाँ पे कंफर्टेबल मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेग स्पेस भी डिसेंट सी है, यहाँ पे आप आपका सामान रख सकते हो। बाकी ये शायद से ये टेबल है, आपको मतलब कुछ खाने पीने के लिए रखना है तो यहाँ पे कर सकते हो, इनफैक्ट अगर आपको कुछ काम करना है लैपटॉप फ़ोन रखना है तो यहाँ पे रख सकते हो, काम कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है भाई। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आई गेस हाँ यहाँ पे लाइट का सेक्शन है, लाइट चालू करके आप अंधेरे में अच्छी तरीके से देख सकते हो। बंद कर देता हूँ ये मैं। ये जो लगेज का सेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब मेरी बैग भाई बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे आराम से फिट हो जाएगी। कि यहाँ पे 3x2 वाली सीटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्जिंग का पोर्ट है, यहाँ पे आप आपका जो बड़ा केबल है वो लगा सकते हो, USB पोर्ट टाइप सी है और 110 वोल्ट का है, तो ऐसे है। और मतलब जो ये आप विंडो देख सकते हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आप इधर से उस साइड देख सकते हो, बट जो बाहर खड़ा इंसान वो यहाँ आपके अंदर नहीं देख सकता इजीली, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा था। आई होप आपको आपने इसको भूला नहीं है, बहुत टाइम बाद आ रही हो तो। हेलो, इसने नया चैनल खोला है, तो यहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोर ऑफ हिमांशी, डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे दूंगा। मैंने पहले आपका प्रमोशन कर दिया था, अभी वापस से ये देखो, ये अभी अगर ब्लॉग वायरल गया तो ये और ज़्यादा प्रमोशन मिलने वाला है आपको। बाकी आपको ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छी लग रही है, ट्रेन में बहुत मज़ा आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं मेरे कॉलेज के वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं, रिव्यू देख कर इस बार काम चला लेते हैं। ये वाला EC कोच है, तो ये थोड़ा प्रीमियम टाइप वाला है, यहाँ से एंट्री मारते ही ये वॉशरूम है, इंडियन स्टाइल वेस्टर्न स्टाइल, ये बाद में आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये EC वाला है, ये 2x2 वाला सीटिंग है, और ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा था। और अमाउंट भी पे करते हो 2x, अगर 1300 रुपये चेयर कार का कॉस्ट है तो इसका 2500 रुपये कॉस्ट है, उसका 2500 रुपीस कॉस्ट। अच्छा, तो आपको वैसा उस वक्त से लेग स्पेस भी मिल रहा है, हर चीज़ें मिल रही है। ओके, बट मैं रिकमेंड करता हूँ अगर 6-7 घंटे की जर्नी कर रहे हो ना, तो एग्जीक्यूटिव में जर्नी करना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपका, जो आपका जो जर्नी रहेगा ना, खाली पकड़। आपका जो जर्नी रहेगा एग्जीक्यूटिव में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा वंदे भारत में ट्रैवल कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इनॉग्रेशंस में ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मुझे उतना पता है यार। बट एक चीज़ देखो आप, थोड़ा सा इतने नए कोचेस हैं कि इसके ऊपर का वाइट वेट ये पाउडर भी नहीं निकला हुआ। चले बाकी चेतन में आपको दिखा रहा है, तो व्लॉग एंड तक देखना, भाई की मेहनत है। सीसी और ईसी में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है, आपको लेग स्पेस ज़्यादा मिलता है, कंफर्ट ज़्यादा मिलता है, खाने में डिफरेंस सेम होता है खाना, बस आपको जो आपका चाय पानी वगैरह कटलरी में मिलता है, ये फ़र्क है। देखो भाई वो सीसी में बहुत ज़्यादा कम स्पेस थी, इसमें बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब अगर आपको थोड़ा कम्फर्ट में ट्रैवल करना है तो इसी में ट्रैवल कर सकते हो।
मैम आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अमेजिंग फील हो रहा है. वी आर गोइंग टू पार्ट ऑफ दिस वंदे भारत एक्सप्रेस और बच्चों के साथ ज्यादा ही. फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा लगा कि गाड़ी का बाकी इंटीरियर वगैरह सर्विस? वाओ, इट्स रियली ग्रेट. आप पहली बार बैठ रहे हो? नहीं, पापा डिफेंस में होने के कारण ट्रेवलिंग रही है. अच्छा. बट नॉट दैट एफ्रंट, इस तरह की ट्रेन नहीं. ओके ओके, इट्स रियली ग्रेट. Okay. बहुत अच्छा है. मतलब अगर आप रिकमेंड करोगे कि अगर कंफर्टेबल ट्रैवल करना है तो इसे रिकमेंड करोगे? डेफिनेटली, इवन जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना उनको भी एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करना चाहिए. जी जी, इट्स अ बेटर, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत. हाँ. जब तक आप खुद फील नहीं करोगे ना पर्सनली, आप वर्ड में नहीं बोल सकते हो. सबको एक बार एक्सपीरियंस फील करना चाहिए. ओके, थैंक यू हमें रिव्यू देने के लिए आपका. थैंक यू सो मच. आप आना चाहोगे वीडियो में? अरे आ जाओ. की अरे हाँ, मैं YouTube पे डालता हूँ. आपको कैसा लगा? अच्छा. ये ट्रेन कैसे है? अच्छा. आप पहली बार बैठने वाले हो वंदे भारत में? और आप कौन से स्कूल से? राइजिंग स्टार राइजिंग. किधर आता है ये? मांसरी के पास, मोरे बस्ती. अच्छा, अभी आप किधर जाने वाले? हुबली, कर्नाटक? नहीं नहीं नहीं, सातारा. सातारा, अच्छा ठीक है. अभी आप अपने दोस्तों को दिखाना क्या रे, मैं YouTube का आया था. यहाँ पे जिंदा यूट्यूबर मिल गया. आपके चैनल का नाम क्या है? अंतरिक्ष हीरो. क्या किस टाइप की वीडियोस बनाते हो आप? हर टाइप की. अच्छा, तो आपके YouTube चैनल की वजह से आपको ये मिला और ट्रेन में जर्नी करने का मौका? अरे वाह, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा तो लोग देखेंगे. चलेगा? हाँ. थैंक यू. ये देखो भाई, ये चेयर रोटेट भी होती है इसी में. जो डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट जो है, स्नैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहेगा आपके इस पर्टिकुलर पैकेज में. जो भी कुछ आपकी एक सीट की टिकट प्रोवाइड करेगा. आप ये देख सकते हो, ये ऐसे पूरी जो चेयर है वो घूमती है, तो आप ऐसा जो विंडो का है वो अच्छी तरीके से व्यू ले सकते हो. देखो ये है वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट. मैं जो हमारे नॉर्मल इंडियन रेलवेज के ट्रेन रहते हैं ना, वो दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि भाई मतलब वो दिखाने लायक होते नहीं है टू बी ऑनेस्ट. बट मैं इसका तो ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि भाई एकदम प्रीमियम है. एंगेज लिखा है भाई, भाई यहाँ पे ऐसा लिख के आ रहा है कि ये एंगेज है कोई तो है. तो ये वैकेंट वाला दिखा देता हूँ. ये देखो, तो यहाँ से खूबसूरत इंसान के लिए खूबसूरत सा मिरर आप अपना चेहरा ताड़ सकते हो. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले तो ये जो मार्बल यूज़ किया है ना वो काफ़ी अच्छा है. मतलब ऐसे लगता है कि वो जो होटल में आते हैं ना, वो फाइव स्टार होटल में, वो उधर कैसा बेसिन होता है वैसे ही सेम टू सेम बेसिन है. यहाँ पे पानी देखो, फोर्स काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे हैंड वॉश है, सोप डिस्पेंसर शायद से चालू नहीं हुआ अभी तक. ये देख सकते हो, ये है इंडियन स्टाइल. बाकी यहाँ पे जेट्स पे भी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है. यहाँ पे फ्लश करने के लिए है, और अभी इसमें मैं बोला कि सोप निकल नहीं रहा क्योंकि इसमें सोप नहीं है इसीलिए. बाकी आपको मैं वेस्टर्न स्टाइल दिखा देता हूँ. इसका डोर देखो ऑटोमेटिक लॉक हो गया है. तो भाई अभी कितने, 3:30 को डिपार्ट होने वाली है, 3:15 को ही बंद हो गई है. तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका तो मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा बाहर से. वो जो नॉर्मल इंडियन रेलवेज में हम दिखाते हैं कि भाई बाहर से एकदम व्यू एंजॉय करके देख सकते हैं बाहर थोड़ा झुक के, बट इसमें तो कर ही कर सकते हैं. मतलब ये सेफ्टी रीजन से एक अच्छा भी है. बाकी हमारा कोच पूरा भर चुका है, देख सकते हो. एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे ना अगर भीड़ हो जाती है तो अगर आप लकी हो तो यहाँ पे बैठ भी सकते हो, और यहाँ पे फर्स्ट एड किट भी है. मतलब ये ट्रेन में मैंने कभी देखा नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है. फर्स्ट एड किट इन्होंने रखा है. बाकी अभी हम डिपार्चर का वेट कर रहे हैं, मतलब जो फ्लैग ऑफ होगा ऐसे वो हरा झंडा दिखाएंगे, तो वो शूट करने के लिए रुका हुआ यहाँ पे. तो फाइनली मेरे को वेस्टर्न स्टाइल वाला टॉयलेट वैकेंट मिला. भाई कब से देख रहा हूँ कि खोल रहा हूँ बट खुल ही नहीं रहा. मेरे को लगा वो वैकेंट का थोड़ा बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा, तो मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मतलब आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ बट वो खुल ही नहीं रहा था. फाइनली जाके खुला, तो अभी मैं तो यूज़ किया, मैं अपना जो बिजनेस है वो कर दिया. यहाँ पे देख सकते हो सेम है जो मैंने आपको इंडियन स्टाइल में भी दिखाया था. इसमें खाली ये वेस्टर्न सीट है, जेट स्प्रे है, और ये अपना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया. यहाँ पे सोप है, अभी तो नहीं आ रहा है कुछ.
एरोजन है, फायर एक्सटिंग्विशर, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब जो हमारे नॉर्मल कैसे रहते हैं इंडियन रेलवेज के, उससे इतना क्या बोल सकते हैं 100 times अच्छा है भाई। तो बस यही था, अभी पता नहीं यार 3:30 बजे होने वाला था, अभी 4 बजने को आ रहे, पर फिर भी डिपार्चर हुआ नहीं है, फाइनली डिपार्चर हो गया है, आप पे देख सकते हो क्लोज होने वाले थे। दरवाज़ा बंद होने वाला था 3:30 को और 4:15 को डिपार्ट होने वाला था, तो अभी एग्जैक्ट 4:15 हो रहे, तो अभी डिपार्चर हो चुका है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली भाई चालू हो गया भाई, मैं इतना ज़्यादा बोर हो गया था ना कि हमने 3:15 को ही हम सब शूट करके हो गया था, वो एक घंटा बहुत बोर हो गया था, और एसी की हवा इतनी ठंडी चल रही है ना भाई कि क्या ही बोलूँ आपको, मतलब भाई लोग कैसे खड़े हैं, सब शूट कर रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड है। ये देखो भाई सब शूट लोग कर रहे हैं, हमारे सर पूरा अच्छी तरीके से उधर एंड तक जाके आए और फिर शूट किया, अच्छी तरीके से डिपार्चर लिया, सब बलून्स गिरने लग गए भाई धीरे धीरे को सब। खाना आ गया, काका हलवाई, खुशबू तो काफी मस्त आ रही है। ये देखो मल्लार भाई बोल रहे थे वंदे भारत में ऐसी फर्स्ट क्या बोलते हैं हाई क्वालिटी फूड रहता है, क्वालिटी आपको सब मिलेगा, अगर आप मतलब 1500 रुपए भी देकर अगर आप ट्रैवल करोगे आपको खाना अच्छा मिलेगा, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। या मतलब आज ही इनॉग्रेशन इसीलिए या हमेशा होता है, पुणे के फेमस काका हलवाई का आपको ये बात तो सही है, बढ़िया है। तो भाई ये देखो ये काका हलवाई का बॉक्स है, मेरे को तो लगा पहले कि केक का बक्सा ही दे रहेगी, पूरा इतना बड़ा है, ये सेलो टेप इधर खोलता हूँ इसको, द मूवमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर, तो देखते क्या है। ओके यार खाना तो आप खा लो, बट एक बार टिश्यू नजारे भी देख लो, नज़ारे तो ठीक है बट खुशबू इतनी मस्त है कि वो नज़ारे की ओर क्या बोलते हैं वो थोड़ा इग्नोर हो रहा है। कचौरी है, ये समोसा है, चटनी भी है, काका हलवाई स्वीट्स, चिवड़ा ही है, ये चौको पाए, ये जूस मेरा फेवरेट फ्लेवर है, ये गावा, और मल्लार भाई ने जैसे बोला ये चटनी है इधर समोसा के साथ खाने के लिए, और ये क्या है लाडू, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन भाई, एक एक खा के बताता हूँ आपको।
ऑनेस्टली बताना कैसी है? एकदम अनबायज ना, तारीफ नहीं करती मतलब समोसा और कचोरी जो है ना वो गर्मा गर्म सर्व नहीं किया ऑब्वियसली। चालू केलो, खाली एक चीज अच्छी नहीं है जो ठंडी नहीं है, बाकी जो टेस्ट है ना मतलब फीलिंग आप देख सकते हो। वैसे अगर ये पैकिंग में नहीं आता ना नॉर्मली जब हाँ चढ़ाते हैं तो इनके पास हॉटकेस है, गरम आपको मिलता है, बट अभी लेट होने के कारण नहीं है। जो चटनी है ना उसके साथ भाई चटनी और जो फीलिंग है ना वो भाई इतनी जबरदस्त है ना, मतलब जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना चटनी और जो फीलिंग है भाई मैं बता नहीं सकता, इतनी मस्त है। ओवरऑल बढ़िया बेस्ट है, बस थोड़ी गर्मा गर्म होती तो फिर भाई और ही ज्यादा मजा आता था, बस वही कमी है। ये मटर करंजी है? हाँ मेरे को करंजी लगी, मटर करंजी पुणे की फेमस, बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट है। आकार रहे की फेमस होती मतलब जो समोसा में जैसी स्टफिंग है थी ना वैसी है, देखो मटर की है और मीठी है। टू बी ऑनेस्ट फूड ब्लॉगर तो मैं हूँ बट मल्लार भाई ने मेरे से ज़्यादा कुछ खा लिया है, मैं तो खाली पुणे के अंदर खाता हूँ। और ये जो करंजी है वो मैं पहली बार खाया, सच बताऊँ तो बहुत अच्छी है भाई। भाई ने एंजॉय कर, थम्स अप फॉर आवर सिटीजन। बाकी तो सारे रेडीमेड आइटम्स हैं, चौको पाए तो मैं बताता नहीं हूँ, ये भी ये आपको पता ही होगा, ये आपने पिया होगा। बाकी गुलाब जामुन और चिवड़ा का करें क्या? वही नॉर्मल पैक्ड आइटम्स अच्छे ही होंगे। एक चिवड़ा खा के बताता हूँ, चिवड़ा और गुलाब जामुन। आपको हैप्पी बर्थडे बोलने वाला था अभी। खाना खा रहा है, टिश्यू निकालना पड़ेगा। जिनका बर्थडे है उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देना। चले यार इतना बढ़िया लगता है सब, किसी का बर्थडे वंदे भारत में सेलिब्रेट होता है, वहाँ पर भाई हुआ इनॉग्रेशन में, फर्स्ट टाइम ये हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ इनॉग्रेशन। थैंक यू सो मच भाई फॉर दिस केक, बढ़िया है। देखो चिवड़ा मतलब डिसेंट है पैकेज फूड है, तो इसका मैं ज़्यादा बताता नहीं, बट ऐसे टाइम पास करने के लिए चखने की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो आखिरी बच्चा है वो ये गुलाब जाम है। हाँ ये बोलने वाला था, मैंने बोला रेल तो आप ही बोल दोगे। भाई देखो सही है, बस वो थोड़ा सूखा सूखा है, वो थोड़ा वो क्या वो रस्ता रहता है ना वो, तो वो खाली इनकम्प्लीट है, बट उनका भी सही है क्योंकि अगर पैकेज में वो ज़्यादा भर देंगे तो वो थोड़ा लीक होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर इसके मैं पूरा जो मिल है उसकी अगर रेटिंग दूँ तो मैं दूंगा 8/10। मैं पहली बार इतना ज़्यादा रेटिंग दिया पता है क्या, इंडियन रेलवे के खाने को। बाकी क्या अगर आप देखोगे ना मेरे इंडियन रेलवे की जर्नी, उसमें मैं बहुत ऐसे 5-6 उसमें उससे भी कम देता था। इससे लोगों को पता नहीं है वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, अभी आपके थ्रू या मेरे थ्रू है तो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू इसको हम एटलीस्ट इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं कि वंदे भारत में ट्रैवल करो। आपने सोचा था आपको ऐसा खाना मिलेगा ट्रेन में कभी? नहीं नहीं, इतना कम्फर्ट मिलेगा सोचा था आपने? नहीं ना, खाना तो फिर भी ठीक है, कम्फर्ट इतना मिल रहा है वो पता भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट ही नहीं था बिल्कुल। ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, आप इसमें ट्रैवल करो, आपको कभी भी सतारा जाना हो, सांगली जाना हो, कोल्हापुर जाना, बेस्ट ऑप्शन है। Go back to the island.
भाई अभी बज रहे कितने 6:30 बजे 4:15 बजे हुआ था, मतलब अभी लगभग 2 घंटे बाद सातारा आ गए, तो आपको दिखाता हूँ। पूरा अंधेरा हो चुका है, अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था और ढोल ताशा बज रहा है, स्वागत की तैयारी। मज़ा तो आया भाई, मतलब जो पुणे से निकले थे तब भी ढोल ताशा बजाता, अयो ढोल ताशा बजाता, बट वो सुने नहीं दिया क्योंकि बाहर नहीं थे हम, ये डिपार्चर हो गया है, और मतलब खिड़की से सुना था, अंदर से सुना था तो इतना आवाज़ नहीं आया, बट अभी सातारा में बाहर स्टेशन पे गए थे तो मस्त मज़ा आया वो ढोल ताशा सुन के, वो ऐसा वो महाराष्ट्र फील आया भाई कि हाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में आए। देखो जी डिपार्चर हो गया, यहाँ पे भी वैसा ही जो सेटअप है ना, वो पुणे में जैसा था वैसा यहाँ पे लगाया था। सोसाइटी डेली मसाला चाय है और भैया कॉफी है ना, ये कॉफी कौन सी आप सजेस्ट करोगे भैया? कॉफी करवा दो फिर मेरे लिए, और क्या लोगे सर भाई? मेरे लिए चाय, एक चाय कॉफी, दो चाय कॉफी। बड़ा मेहनत का काम होता है सर, पैसेंजर को इन लोगों को भी बढ़िया से कॉफी सोसाइटी करो। तो भाई ये चाय का काफ़ी बढ़िया था, वो जो उन्होंने दिया था ना रेडी मिक्स वगैरह जो भी था चाय का, तो खाली गर्म पानी में डालने का बन गई चाहिए देखो, और टेस्ट भी काफ़ी हद तक अच्छी है। मतलब अभी रिसेंटली मैंने राजधानी में ट्रैवल किया था तो उसमें वो क्रीमर देते फिर शक्कर देते, गर्म पानी में डालो वो सब गिर जाता है नीचे, वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, ये काफ़ी बढ़िया किया उन्होंने। ठीक है चाय, और मतलब वो थोड़ा वो स्पाइस का टेस्ट काफ़ी अच्छा रहा, अदरक वाला इलायची वगैरह सब आ रहा है मस्त टेस्ट, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। इसकी अगर रेटिंग दूँ तो मैं दूंगा 7/10। यहाँ पे गणपति की आरती होने वाली है ट्रेन में,
चालू करो दो मिनट मंगल मूर्ति सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची घंटी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव मुकुट शोभ तो भरा रुंजुंती न पुरे चरणी गागरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मानस कामना पूर्ति जय देव जय देव अंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरसोंड वक्र तुंड त्रिनेना दास रामाचा वटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मानस कामना पूर्ति जय देव जय देव पूजन भावे मने त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जोडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये त्वा बुधा त्वा वा करोति स्वा वा करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गणपतिप्पा मंगल मूर्ति छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भाई अभी ना बोर होने लग गया मेरे को मतलब एक तो मतलब मैं बोर होता नहीं ट्रेन में यूजुअली बट कैसा है कि ये एकदम चेयर है ना चेयर क्लास तो ऐसे बैठे बैठे नींद नहीं आ रही मतलब पता नहीं मेरे को क्यों बट ये इतना कंफर्टेबल नहीं पीछे वाला मतलब मैं ऐसे रखता हूँ तो इतना कंफर्टेबल नहीं मैं तो हाइट के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है तो ये बात है और अभी कैसे अंधेरा है तो फिर वो क्या ही देखोगे भाई व्यू ही नहीं है तो ऐसे काला काला देख के बोर ही हो गया मैं तो अभी आ गया बीरज जंक्शन बहुत ही मतलब मेन जंक्शन ही है तो अभी कितने 8:25 हो रहे हैं मतलब अभी दो घंटे में हम पहले सातारा में थे उससे दो घंटे पहले पुणे में थे अभी दो घंटे में आ गए हम नीरज तो ये एक्चुअली लास्ट स्टॉप है उसके बाद कर्नाटक चालू हो जाता है हुबली जा रहे हैं हम वैसे तो यस अभी बाहर थोड़ा उतर के थोड़ा शतपावली कर लेता हूँ मराठी में जिसको बोलते हैं फिर अपने फ्री कर लेता हूँ भाई चल ऐसे बैठ बैठ के मेरा ये हो गया है लेट्स गो मोदी 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 मौर्या मौर्या बोलो भारत माता की जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय
भाई साहब इतनी भीड़ बढ़ गई है, देखो मैं उतर ही नहीं पाया, मतलब मीरज में इतनी भीड़ बढ़ गई। और ऐसा भी है ना कि भाई सीट पे अगर कोई गलती से बैठ गया वो अब उठे नहीं तो झगड़ा करते बैठना पड़ेगा, इतना एनर्जी नहीं भाई मेरे में झगड़ा करने की। ये मोस्टली ऐसे कर्नाटक के लगे, थोड़े थोड़े कर्नाटक के लोग हैं, तो भाई मैं तो इधर ही बैठा हूँ, कोई चांस नहीं बाहर 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 जाने का। तो ये देखो भाई यहाँ पे कुछ डिनर आ चुका है, ये है सैलेड, यहाँ पे है दाल, यहाँ पे है वो नहीं रहता क्या, वो आलू, उसके बाद कांदा प्याज, सॉरी कांदा बोल रहा हूँ, प्याज उसकी सब्जी है, यहाँ पे गुलाब जाम, उसके बाद ये तो पहली बार देखा मैं मीठा मसाला, मतलब ये मतलब डिनर के बाद खाने के लिए, उसके बाद ये छाछ, रोटी, दाल, सॉरी चावल, तो इसके साथ हमें अचार भी देखने को मिलता है, यहाँ पे पनीर की सब्जी है और ये भी शायद से पनीर ही है, दोनों पनीर ही है। तो खा के बता दो कैसा है आपको। तो भाई खाना ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, मतलब मैंने इतना इंडियन रेलवे में खाना खाया है ना, इतना गंदा होता था ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब पनीर का जो तो सब्जी थी ना, वो पनीर इतने बड़े बड़े पीसेस थे, उसके बाद जो प्याज, उसके बाद वो रस्सा टाइप भाजी थी जिसमें आलू भी था, तो वो थोड़ा ऑयली था बट काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था, मतलब मैं स्पाइसी बहुत खाता हूँ और मेरे को अगर स्पाइसी लगी तो जेन्युइनली बहुत स्पाइसी थी। उसके बाद सैलेड था वो तो अच्छा ही था, फ्रेश था, उसके बाद वो जो दाल और राइस था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, उसके बाद और क्या था, ये छाछ तो मतलब रेडीमेड ही था, रोटी काफ़ी अच्छी दी थी, मतलब जिन्होंने उन्होंने क्या किया था कि जितनी सब्जी दी है और सब्जी की जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से रोटी दी थी, मतलब आई गेस 3 या 4 रोटी दी थी, तो काफ़ी अच्छी बात है। वरना होता क्या था पहले कि अगर रेलवेज में ट्रैवल करते तो भाई रोटी 2 देते थे और सब्जी बहुत ज़्यादा दे देते, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो बाकी सब तो काफ़ी बढ़िया था, आई गेस इतना ही था। गुलाब जामुन मेरे को अच्छे नहीं लगे, पता नहीं क्यों बट अच्छे नहीं लगे। उसके बाद जो वो क्या बोलते हुए ऐसा गुलाब गुलकंद करके वो एक पान मसाला था, वो तो मेरे को अच्छा लगा, पान मसाला बोल रहा हूँ, वो जो खाते ना सौंफ बोलते उसको शायद से हिंदी में, तो वो तो मैं 2 पैकेट खाया, वो सामने वाले भैया उन्होंने खाया नहीं तो मैंने खा लिया और मेरे खा लिया, काफ़ी बढ़िया था, पेट भर गया है। अभी अगर इसकी रेटिंग देनी हो तो मैं दूंगा 9/10, इतना बढ़िया लगा मेरे को। अभी बेलगावी पहुँचने वाले कुछ ही मिनटों में, आई गेस 50 किलोमीटर के आसपास कुछ बचा है अभी, तो उसके बाद बेलगावी के बाद डायरेक्ट आता है क्या आएगा, हाँ हुबली, लास्ट स्टॉप भी भूल गया मैं, और ये मैं बताना भूल गया आपको, ये देखो ये ऐसे विंडो नीचे होता है, मतलब अगर आपको ज़्यादा सनलाइट आपके मुँह पर आ रही है तो आप ये नीचे कर सकते हो, और ये रिक्लाइन भी होता है, थोड़ा मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये नीचे बटन ही है, ऐसे दबा के आप कर सकते हो। ये मेरे को पहले करना चाहिए था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, अभी नींद आएगी। शोर है, हम पहुंच चुके हैं बेळगाव, द मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के बीच में, आपको पता ही होगा ये सेम, मतलब जो पुणे में था ना उधर सेम वैसा प्रोग्राम चालू है, मुझे पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बट लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था बेळगाव, इसी यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे बैठा था, तो वही मेरी जनवरी में आया था मैं, जो मिरर से कन्नड़ी का लोग बैठे थे और अभी बेळगाव में उतर गए। देखो भाई कितना कचरा कर दिया इन्होंने, मतलब पूरा सीट गंदा है, देख सकते हो। 2 मिनट रुकी भाई, 10:15 हो रहे, 2 मिनट के अंदर दरवाजा बंद हो गया। तो कन्नड़ी का लोग बेळगावी बोलते और मराठी लोग बेळगाव बोलते, मैं बेळगाव बोलूँगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे बेळगाव में आने की मेरी इतनी ज़्यादा इच्छा है ना, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, तो यार कभी एक दिन आऊँगा फुर्सत से टाइम निकल के बेळगाव घूमने आने वाला हूँ। अभी तो ऐसे मतलब बेळगाव में हूँ और ऐसे बेळगाव में उतर के घूम नहीं पा रहा हूँ, वैसा दुख है मेरे को, बट ठीक है एक दिन ज़रूर बेळगाव आऊँगा। ये देखो भाई बेळगाव की क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, तो
और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टेशन है भाई, मतलब पता नहीं क्यों लास्ट टाइम भी आया तो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद आया था। अरे बाप रे, क्या ही क्राउड है बाप रे। भाई ये धारवाड़ दो मिनट भी नहीं रुकी यहाँ पे भी, पर यहाँ पे जोरों शोरों से जल्लोश चल रहे, पता है मतलब अभी 12:15 बज रहे रात के, फिर भी लोग इतना उत्साही है। ये देखो भाई, मेरे को तो नींद आ गई थी, मेरे को नींद आ गई, पर ये मेरे को लोगों ने बोला कि बेळगाव से धारवाड़ कितना, आधा घंटा लगेगा, 2 घंटे हो गए धारवाड़ आने को, अभी पता नहीं यार हो भी कितना टाइम लगेगा। ना मेरे को मिरज उतरने मिला, ना मेरे को बेळगाव अच्छे तरीके से देखना मिला, और अभी धारवाड़ भी देखने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं। उधर फाइनली हुबली जंक्शन आ गया है, ये ट्रेन को अलविदा बोलने का समय आ गया है। तो फाइनली हुबली जंक्शन पहुंच चुके हैं, इसका पूरा नाम है श्री सिद्धारूला स्वामी हुबली जंक्शन। यहाँ पे इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, मतलब खाली इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आते वो थोड़े ढोल ताशे, इनकी कर्नाटक का जो भी कल्चरल डांस फॉर्म है वो चालू हो गया है। जर्नी कंप्लीट हो गई है, अभी रिटायरिंग रूम लेके आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, उसका व्लॉग आपको आगे मिल जाएगा। बाकी अगर आपको मेरा बांद्रा टर्मिनस टू ये दिल्ली वाला व्लॉग देखना है वाया हरिद्वार एक्सप्रेस, तो सॉरी देहरादून एक्सप्रेस, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको मेरा दिल्ली टू कल्याण जंक्शन वाया पंजाब मेल वाला ब्लॉग देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।